हे गाइस गाइस, लास्ट वीडियो जो मैंने कवर किया था वो बेसिकली एक ओवरव्यू था एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में। जब हम लोग अपना खुद का एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म डेवलप करते हैं ई कॉमर्स का, ई कॉमर्स बोलो या फिर ब्लॉग बोलो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हम लोग स्टार्ट करने जाते हैं जिसमें बहुत रिस्क रहती है और पता नहीं रहता है कि कब रिजल्ट आएगा और कितने दिन में रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आएगा भी नहीं आएगा, इसकी कुछ भी एश्योरिटी नहीं रहती है। बट एक जो कंसिस्टेंसी और जो पेशेंस, ये जो दो प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर में हमें चलना पड़ता है, ये अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये चीज़ आप करोगे इसके में रिजल्ट कब आएगा, कब आपको आउटपुट मिलेगा, कब आप स्टेबलाइज इनकम जनरेट कर पाओगे, कैसे आप इसको सस्टेन कर पाओगे और कैसे इसको स्केल अप कर पाओगे, तो इसके बारे में बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं, डीमोटिवेट करने का काम करते हैं। मेरे लाइफ में ऑलमोस्ट मेरा 2.5 से 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है इसी चीज को लेके, और 2 साल तो आप कोविड के निकाल के ही चलो, तो इसमें मैंने जितना सीखा है ना उसमें मुझे एक ही बात पता चली है कि कोई भी चीज हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसको यार इजिली जाने मत दो, क्योंकि पीछे देखना पड़ता है कि हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो क्यों किया था, व्हाट आर द रीजंस दैट वी स्टार्टेड दैट पर्टिकुलर थिंग। जब भी हम लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं तो एक माइंडसेट के साथ में लेते हैं कि चलो हमें कुछ ना कुछ नया करना है और कुछ हम लोग कर पाएंगे और करेंगे डेफिनेटली, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस बोलो या फिर प्रॉब्लम्स बोलो या फिर कॉन्सिक्वेंसेस बोलो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आते हैं और हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो करना छोड़ देते हैं। ये होती है सबसे बड़ी गलती, अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोग अपने लाइफ में छोड़ देते हैं। ये मैं अपने फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका रिजल्ट क्या होता है जब हम लोग किसी भी टास्क को कंसिस्टेंटली और पेशेंस वाइज पेशेंस रख के करते हैं, उसका रिजल्ट क्या आता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि computerbaba.co.in ये हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 8 से 10 ब्रांड्स है, जिसमें ब्रदर, प्रामा, हिकविजन, उसके बाद कैनन, उसके बाद सैमसंग, क्विक हिल, टैली और इस टाइप के जो ब्रांड्स हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे अभी भी हैं और हम लोग उसमें डील कर रहे हैं अभी, क्योंकि 2 महीने कंसिस्टेंटली 3 महीने मैंने कंसिस्टेंटली इसको दिए हैं और बिल्ड करने के लिए और रिजल्ट आने के लिए कितना टाइम लगा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और प्रीवियस वीडियो में आपको ये भी बताया कि कितना रिजल्ट आता है, क्योंकि ट्रस्ट नहीं करते यूजुअली लोग, क्योंकि हाई टिकट आइटम्स रहते हैं तो यूजुअली ट्रस्ट नहीं करते, तो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है। और इसके बाद से हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और वो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, उसमें जो भी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ और आपके सामने सब कुछ आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसलिए स्किप मत करिएगा आगे के वीडियोस को। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ प्लेटफॉर्म, क्योंकि रात के अभी आप देख सकते हो रात के 11:50 हो रहे हैं और तब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ टाइम इश्यूज। सो मैं बैकएंड दिखा देता हूँ आपको, बैकएंड में जो होस्टिंग हमने लेके रखी है वो ये होस्टिंगर की होस्टिंग है और जो भी बैकएंड का सेटअप रहता है वो बेसिकली हमने करके रखा है, ठीक है। यहीं से हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं और यहीं से पूरी सेटिंग करके, एक ऐसी सेटिंग होती है किस प्रकार से करनी पड़ती है ये भी हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। अभी देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों करना चाहिए। ये है वर्डप्रेस का बैकएंड, यहाँ पे आपको अलग अलग प्लगइन्स दिखेंगे, ये प्लगइन्स है पूरे, साइडकिट, जेटपैक, पोस्ट, WP बिंगो, ये बेसिकली हमारे हम जो थीम इंस्टॉल करते हैं उसमें ही आता है, और ये जो WP बिंगो है ये उसके साथ में ही आता है और इसमें हमें थीम ऑप्शंस, फूटर, मेगा मेन्यू, टेस्टिमोनियल्स और ये सब कुछ देखने को मिलता है। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे जो आपको देखने को मिलेगा, बट थीम्स वैरी करती है। जो थीम मैंने सेट करके रखी है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही अच्छी वो थीम है और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कि पूरे अलग अलग कैटेगरीज हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग ब्रांड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये ब्रांड्स है पूरे। उसके बाद इधर डिपार्टमेंट्स है, दैट इज कैटेगरीज दैट वी एक्चुअली डील्स इन। सो इधर आपको अकाउंट का एक सेक्शन मिलेगा, ये लॉग इन हूँ मैं यहाँ पे अकाउंट, यहाँ पे फेवराइट्स और यहाँ पे कार्ट का सेक्शन है। सो क्विक हिल एंटीवायरस, सीसीटीवी कैमराज, कमर्शियल टीवीज, मॉनिटर्स, डेस्कटॉप, इंक्स, देन प्रिंटर्स, स्कैनर्स, उसके बाद प्रिंटर्स की रेंज अच्छी है, यहाँ पे टॉप सेलिंग प्रिंटर्स में ही हमारे प्रोडक्ट्स है। BenQ के मॉनिटर्स आपको दिखेंगे, गेमिंग मॉनिटर्स है बेसिकली, ये बहुत महंगे जाते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट पे और बिकॉज वी आर इन द B2B बिजनेस दैट्स वाई वी आर एबल टू गिव
अफोर्डेबल प्राइसिंग टू आवर कस्टमर्स, वो बहुत ही रीजनेबल है, बहुत रीजनेबल, 7-7, 8-8 हज़ार का डिफरेंस मैंने खुद देखा है जब हम लोगों ने इस वेबसाइट के ऊपर में काम किया था। देन स्मार्ट मॉनिटर्स है, ठीक है, तो ये इस टाइप का सेटअप मैंने करके रखा है यहाँ पे। मेंटेनेंस सर्विसेज का अलग सेक्शन है यहाँ पे, और इसका पेज भी अलग बना है, इस वीज बेन क्यू इक्विजन सैमसंग टैली, तो पूरे बिजनेस के सोल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे वीडियोज भी मैंने अपलोड करके रखे हैं मेरे, ये एम्बेड करके रखा है मैंने वेबसाइट पे। उसके बाद ये फुटर हो गया। अभी मैं थोड़ा सा आपको यूट्यूब के तरफ लेके चलता हूँ। ये वीडियो अभी रिसेंटली पब्लिश किया था, ये शॉर्ट था बेसिकली 10 सेकेंड का। इसके ऊपर आप देख सकते हो, ये वीडियो मैंने अभी जस्ट 2 घंटे पहले डाला था, और इसके ऊपर में 300 के आसपास व्यूज है। तो ये क्यों है? ये है बिकॉज कंसिस्टेंसी। आपको शॉर्ट्स में अगर आप काम करते हो तो आपको सब्सक्राइबर्स बहुत कम मिलेंगे, बट व्यूज का जो रेशियो है बहुत ही ट्रिमेंडसली हाई रहता है। बिकॉज शॉर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा आज के इसमें ट्रैफिक देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म वीडियोज। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 782 व्यूज है लास्ट 48 आवर्स में। उसके बाद चैनल पे कितने व्यूज आए हैं, ये पूरा एनालिटिक्स है। तो 3041 व्यूज आने के लिए 2 महीने लग गए, ये तब जाके एक महीने में इतने व्यूज बन पाए। और ग्रोथ आप यहाँ पे देख सकते हो तो 335% मोर देन लास्ट 28 डेज। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली चीज है यहाँ पे। तो ये है, और ग्राफ ऊपर ऊपर जाता है धीरे धीरे। ये कैसे है? ये कंसिस्टेंसी से होता है। और थोड़ा सा मैं गूगल अपने फेसबुक की तरफ भी लेके चलता हूँ, इनसाइट्स दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे लास्ट वीक में 1,600 व्यूज आए हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम कम है थोड़ा, बिकॉज इंस्टाग्राम पे उतनी रीच नहीं मिल पाती, बट जितनी फेसबुक पे मिलती है बहुत ज़्यादा है। देखा जाए तो यूट्यूब एंड फेसबुक यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। 10 सेकेंड का, 15 सेकेंड का आप वीडियो लगाते हो तो वहाँ पे जो आपको सॉन्ग मिलता है वो उसके ऊपर में आपको कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है, वो आप इजीली यूज कर सकते हो और अपने मार्केटिंग के लिए यूज में ला सकते हो। 15 सेकेंड के ऊपर आप अगर गए तो वहाँ पे वो जो सॉन्ग है वो स्टॉप हो जाता है 15 सेकेंड के बाद। कहाँ पे? यूट्यूब पे। फेसबुक पे नहीं होता है, अभी देखने को तुम नहीं मिला है, बिकॉज फेसबुक इज द अनदर एंटिटी। यहाँ पे 4,417 व्यूज इंस्टाग्राम के रीच है। एंड कंसिस्टेंटली 10 से 15 इंक्वायरी जनरेट होती है, उसमें से 2 भी 3 भी अगर कन्वर्ट होगी, हमारा पूरा मार्केटिंग का जो एफर्ट है वो फुलफिल हो जाता है। जितना हम लोग एड्स पे स्पेंड करते हैं उतना ही अगर ऑर्गेनिक ग्रोथ पे, अगर ये पूरा ऑर्गेनिक है, जितना भी मैंने आपको दिखा है वो पूरा प्योर ऑर्गेनिक है, 1 रुपया हमने एड्स के ऊपर खर्चा नहीं किया। यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल एनालिटिक्स है, इसका भी सेटअप कैसे करना है, फेसबुक का पेज का सेटअप कैसे करना है, उसके बाद वर्डप्रेस बैकएंड सब कुछ कवर करने वाला हूँ आगे के वीडियोज में। और कंसिस्टेंट वीडियोज वो आएंगे, मतलब आएंगे। ये हमारे प्लेटफॉर्म का बिल्ड यानी अभी डेवलपमेंट सेशन चल रहा था, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू पोस्ट दैट मच ऑफ वीडियोज, बट फर्दर आई विल ट्राई सो हार्ड एंड आई विल पोस्ट वीडियोज। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 91 क्लिक्स है, अगर 91 क्लिक्स है और जो रेशियो है वो 8.65K इंप्रेशन के बाद में 91 क्लिक्स आ रहे हैं, ये जब लैक्स पे जाता है इंप्रेशन का रेशियो, तब जाके हमारे वेबसाइट पे 500 से 1,000-2,000 क्लिक्स आते हैं। तो इतना ये रेशियो रहता है, और रेशियो रहता भी है बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन एंड बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटर्स, ये वेरी करता है। बिकॉज ये जितने भी आपको ब्रांड्स दिखेंगे ना, ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश ब्रांड्स है मार्केट में, और डायरेक्टली यहाँ पे जो टक्कर है या फिर जो कंपटीशन है वो सीधी हम लोग बड़े बड़े जायंट्स के साथ में करते हैं, लाइक अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, बिकॉज वहीं पे ये सभी ब्रांड्स के जो आइटम्स है वो सेल होते हैं। एंड वी आर इनटू B2B बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, सो इसलिए हम लोग इस टाइप का डिस्काउंट दे पाते हैं, और दैट्स वाई वी आर एबल टू लॉन्च दैट वेबसाइट एंड वी आर एबल टू गिव सच काइंड ऑफ अफोर्डेबल प्राइसिंग टू अवर कस्टमर्स। नहीं तो सीधा एक डीलर के लिए इतनी प्राइसिंग देना और इतना डिस्काउंट देना कस्टमर को फेवरेबल नहीं है। इसके बाद भी बहुत आया, मैं कैनवा भी आपको दिखाऊंगा, कैनवा के ऊपर पूरा कोर्स ही लाने वाला हूँ बेसिकली, बट ये कंसिस्टेंटली अभी लाना है। सो यही था आज की वीडियो में, और आगे की वीडियोस में हम लोग पूरा कवर करेंगे इन डेप्थ प्रैक्टिकल, एक एक चीज, छोटी छोटी चीज में पूरा उसमें कवर करूंगा, दिखाऊंगा आपको कि कैसे होता है, क्यों होता है, और कितना एफर्ट लेना चाहिए, कितने टाइम तक लेना चाहिए, और शेड्यूल कैसे बनाते हैं और रिजल्ट कैसे आते हैं, ये सब कुछ मैं आगे के वीडियोस में कवर करूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।